जी सर, आप बगोदर विधानसभा के जो है सो जहाँ तक मुझे मालूम है एक भावी कैंडिडेट है विधानसभा के लिए AIMIM के कैंडिडेट के रूप में, और फिलहाल ही आपका जो है सो एक फोटो विनोद सिंह के साथ वायरल हुआ जिसमें आप साथ में बैठे हुए हैं, और लोगों में ये गलतफहमी फैल रही है कि शायद ये कुछ साठ गांठ कर रहे हैं अंदर से, तो क्या इसमें हकीकत क्या है सर, आप बताना चाहेंगे अपने लोगों को? जरूर बताना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ससुराल है जहाँ मैं गया था, और वो मेरे साले साहब पेशेंट हैं, मैं उनको देखने के लिए गया था, और वो लोग भी आए, विनोद सर भी आए देखने के लिए आए, तो एक इत्तेफाक है, मुलाकात हो गई, और मैं समझता हूँ वो लोग भी जल्दी में थे तो थोड़े बहुत चाय नाश्ता, और उसी बीच में ये फोटो किसी ने लिया वायरल किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप मजलिस को सपोर्ट कीजिए, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जम करके सपोर्ट कीजिए। मुलाकात किसी से भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है, एक विधानसभा में है तो कई बार भी मुलाकात हो सकती है, ऐसा कोई मामला नहीं है। हमने कभी ईमान का सौदा नहीं किया है और ना मरते दम तक इंशाल्लाह इसका सौदा। अच्छा, आप अभी अपने इलाके का दौरा कर रहे हैं, कैसे लोग जुड़ रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे कैसे लोग जुड़ रहे हैं, कैसे आप काम कर रहे हैं? या अल्लाह, जुड़ने का मामला ऐसा है कि लोग फोन कर के जुड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हजरत जल्दी आइए हम लोगों को जुड़ना है, तो इसमें मुझे बेपनाह खुशी हासिल है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं दलित सब जुड़ना चाहते हैं, और सब कह रहे हैं कि हम इस पार्टी को जुड़ेंगे, चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी कोई बात करते हैं तो संविधान की बात करते हैं, तो इसको लेकर के, और दलित की बात करते हैं तो दलित समाज जो है वो हमारे साथ है, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, हिंदू समाज हमारे साथ है, और इंशाल्लाह इस बार हम बगोदर विधानसभा में कामयाब होंगे और ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल सर, आपका पार्टी का अभी पार्टी चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र विधानसभा में, जिसमें एक कैंडिडेट ने विथड्रॉ कर लिया AIM का, जिससे वहाँ के वोटर के AIM के वोटर के काफ़ी रोष है जी, उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे तो? कोई बात नहीं है, वो चुनाव हुआ और जिसने भी किया, मैं समझता हूँ कि हो सकता है 10 में से एक निकल गया ऐसा जो बेईमान हो, तो ऐसा कोई मामला नहीं है, और मैं समझता हूँ इस बात को कि कोई ऐसा हो सकता है 10 चुनने में एक ऐसा बेईमान हो सकता है, चाय पकौड़ी में बिक्री हो सकता है, तो इससे MIM को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, चूँकि सारे लोग पूरे देश के लोग MIM के साथ हैं, और हम फिर से गुजारिश करेंगे कि आप MIM को सपोर्ट कीजिए, जो जैसा कर रहा है उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह उसके साथ इंसाफ करेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और हम सबको MIM के बैनर तले आने की हिदायत दे।